फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पार्टिसिपल्स, उपयुक्त पार्टिसिपल से खाली स्थानों को भरें। फर्स्ट में दिया हुआ वी सॉ ए डैश ओल्ड मैन, हम वह एक थके हुए आदमी को देखा, टायर्ड टायर्ड। सेकंड है माई अंकल इज एन डैश पर्सन, तो हो जाएगा अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स मनोरंजक। ठीक है, इसमें फर्स्ट में थकने का काम समाप्त हो गया इसलिए टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड में अम्यूजिंग मतलब दिलचस्प, मनोरंजन करने वाला, तो ये हमेशा ये इस आदत का बोध हो रहा इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल अम्यूजिंग। थर्ड है दिस इज ए बॉल्ड एग, क्या वो बॉल्ड एग, दिस इज ए बॉल्ड एग, या एक उबला हुआ अंडा, तो बनने का काम समाप्त हो चुका इसलिए बॉल्ड। फोर है द पुलिस इंस्पेक्टर फाउंड द डैश आर्टिकल्स, पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर हो जाएगा स्टोलन, स्टोलन मतलब चुराया हुआ, चुराने का काम समाप्त हो चुका है इसलिए स्टोलन। पास्ट पार्टिसिपल भी थे, पुलिस इंस्पेक्टर चुराए हुए वो सामग्रियों को पाया। फाइव ही हैज डैश माई नेम, हैज के बाद क्या लगता है, हैज के बाद भी थे, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिक्स है माई ग्रैंड फादर हैज बॉट ए डैश स्टिक यानी वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है, वॉकिंग स्टिक खरीदे हैं। सेवन है ही सॉ मी डैश द रोड, वह मुझे देखा, कैसे देखा, रोड को क्रॉस करते हुए देखा, नहीं जब वो देखा तो रोड के क्रॉस करने का काम जारी था इसलिए भी फोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। एट है हैविंग द डैश द ग्लास द बॉयज रैन अवे, यानी हैविंग के बाद क्या होगा, भी थ्री, तो यहाँ पर लड़के ही काम कर रहे ग्लास तोड़ने का, तो इसलिए हैव एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लगेगा, हैविंग प्लस भी थ्री, तो भी थ्री कौन सा हो जाएगा, ब्रोकन, तो हिंदी हो जाएगा ग्लास को तोड़कर यानी शीशे को तोड़कर लड़के भाग गया। नाइन ऑल द फर्नीचर वाज डैश थे, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यहाँ फर्नीचर काम नहीं कर रहा, फर्नीचर पर काम किया जा रहा, तो हो जाएगा पैसिव वॉइस में हमेशा भी थ्री ही लगता है, तो सेंट हिंदी हो जाएगा सभी फर्नीचर है, सभी फर्नीचर वहां भेजेगा। टेन है गांधी जी लव्ड ऑल डैश क्रिएचर्स, क्रिएचर्स कहते हैं सजीव जीव जंतुओं को, ठीक है, जीव जंतुओं को, जैसे बात इसमें जीवन ही रहेंगे, लिविंग थिंग्स, तो लिविंग लिविंग क्रिएचर्स सजीव को, ठीक है, सजीव जीव जंतुओं को, तो यहाँ पर लिविंग होगा क्योंकि जब वो प्यार कर रहे थे तो प्यार करते थे तो जीव जंतु क्या जिंदा रहने का काम जारी था, जिंदे ये काम जारी है समाप्त नहीं हुआ इसलिए लिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फोर। इलेवन ही किप्ट मी डैश, तो वेट का वेट है इंतजार करना, वो मुझे इंतजार करवाता रहा, ठीक है, करवाता रहा, तो यहाँ पर करवाने के इंतजार करवाने का काम जारी था, तो यहाँ पर हो जाएगा वेटिंग। 12 है डैश इन नॉइस सी वॉक अप, जब दो काम हुए हों और दोनों के बीच में समय अंतराल बहुत ही कम हो तो पहले वाले कार्य के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है, हीडिंग, हिंदी हो जाएगा हीडिंग ए नॉइस सी वॉक अप का, और शोर सुनकर वह जाग गए। 13 है द डैश द पुलिस मैन द क्रिमिनल रैन अवे, यहाँ पर भी वही रूल है, यहाँ पर भी दो काम हो रहा, ठीक है, पुलिस के पुलिस को देखने का और क्रिमिनल के भागने का, तो दोनों के बीच में समय अंतराल बहुत ही कम है इसलिए पहले वाले कार्य के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सीइंग हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा पुलिस को देखकर क्रिमिनल भाग गया। 14 है ए डैश स्टोन गेदर्स नो मॉस, ये तो फ्रेज है, तो ये रोलिंग हो जाएगा, ये रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, इसका मतलब होता है कि वो कोई भी बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है ना, जो एक एक जॉब बदलते रहते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, तो उनमें क्या, ठीक है ना, नई अपॉर्चुनिटी के तलाश में, और लेकिन इसमें निगेटिव चीज़ है कि वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, स्टेबल नहीं होता। 15 है ही विल बी डैश द फिल्म दिस टाइम टुमोरो, वह कल कल आने वाले कल, वह कल इस समय फिल्म देखता रहेगा, तो ये बी के बाद क्या होता है, बी लगा हुआ, यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, देखता रहेगा तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। दिया हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवेन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए वर्ब
का सुटेबल उपयुक्त पार्टिसिपल फॉर्म से खाली स्थानों को भरे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, वर्ब दिया हुआ, भी वन दिया हुआ, यानी यहाँ पर पता नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल या फिर या परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। हमें इसका प्रेजेंट लगेगा तो भी फोर, पास्ट लगेगा पास्ट पार्टिसिपल लगेगा तो भी थ्री, और परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा तो एक्टिव वर्ब्स का स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस भी थ्री, पैसिव वर्ब्स का स्ट्रक्चर होता है हैविंग बीन भी थ्री, एक और होता है स्ट्रक्चर पैसिव का बीइंग और भी थ्री। फर्स्ट में दिया हुआ है डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, बोला जा रहा है खोया हुआ अवसर वापस कभी वापस नहीं आता है। खोया हुआ मतलब खोने का काम जब समाप्त हो जाएगा तब, तो क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, तो लूज का क्या हो जाएगा भी थ्री, लॉस्ट। सेकंड है, सेकंड तो बहुत फेमस है, कई बार कई किताबों में देखा जाता है, देयर डैश डॉग्स सेल्डम बाइट, बोला जा रहा है लिखेंगे पार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकते हुए कुत्ते हैं, ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते या भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी, ठीक है, सेल्डम शायद ही काटते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सेकंड में पार्किंग डॉग्स। थर्ड है द डैश वॉन सोल्जर्स वर कैरिड टू हॉस्पिटल, प्लस वॉन में होता है घायल होना, तो हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वॉन्डेड, घायल सैनिकों को हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है ना, तो सैनिक क्या हो गए थे, घायल हो चुके थे, ये फिनिश्ड एक्शन है इसलिए होगा पास्ट पार्टिसिपल यानी वाउंडेड। फोर सिम्स डैश, बड़ी में से होता है चिंता करना, तो वह चिंतित दिखाई पड़ती है, चिंतित मतलब वो चिंतित है यानी फिनिश्ड एक्शन दिखा रहा, तो ये हो जाएगा वर्डिट यानी पास्ट पार्टिसिपल। फाइव है माई ब्रदर इन लॉ हैज डैश एवरीथिंग, हैज के बाद क्या लगता है, अगर भर्ब लगता है तो भी थ्री, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, तो मैनेज का भी थ्री मैनेज्ड, तो हिंदी हो जाएगा माई ब्रदर इन लॉ, मैं मेरा साला, ठीक है, सब कुछ मैनेज कर चुका है, मैनेजमेंट होता है व्यवस्था करना। सिक्स है द इलियड वाज डैश बाय होमर, तो इलियड क्या, इलियड ये लिखा गया, ठीक है ना, इलियड होमर के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर है, तो वाज के बाद क्या भी थ्री लगेगा, तो राइट के भी थ्री रिटर्न, पैसिव वॉइस में हमेशा भी थ्री ही लगता है। सेवन है तेंदुलकर हर्ट हिज राइट हैंड, ठीक है, डैश क्रिकेट, तो बोला जाए तेंदुलकर पहुंचा लिए, तेंदुलकर अपने राइट हैंड को नुकसान पहुंचा लिए, कैसे, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए जब नुकसान पहुंचाए तो क्रिकेट खेलने का काम जारी था, ठीक है, यानी अनफिनिश्ड एक्शन दिखा रहा, तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फोर, तो हो जाएगा सेवन में प्लेइंग। एट है आई मेट ए गर्ल डैश ए बास्केट ऑफ एग्स, बोला जा रहा मैं एक लड़के से मिला, ठीक है, वो अंडों की एक टोकरी, ठीक है, ढोई हुई थी, ठीक है, ढोई हुई थी, यहाँ पर हो जाएगा कैरिंग, हो जाएगा कैरिंग, जब उसको लड़के से मैं मिला तो अंडे को टुकड़ी ढोई हुई थी, सिर पर रखे हुए थे, जानी जारी था उसका सिर पर रखने का काम टुकड़ी का, तो यानी ये अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड एक्शन दिखा रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फोर। नाइन है वी सॉ द ट्रीज डैश विथ मैंगोस, लदा हुआ ना, तो हम लोग आम आम से लदे हुए पेड़ों को देखें, फिनिश्ड एक्शन इसलिए पास्ट पार्टिसिपल, तो लेट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा लेडन, लेट का भीतरी लेडन। टेन है वी सॉ ए डैश हॉर्स, हम लोग एक दौड़ते हुए, ठीक है, हमें दौड़ते हुए घोड़े को देखे, तो दौड़ने का काम घोड़े का जारी था, यानी अनफिनिश्ड एक्शन, ये एक्शन समाप्त नहीं हुआ, ये कार्य समाप्त नहीं हुआ, इसलिए रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। इलेवन है सी इज ए डैश गर्ल, सी इज ए डैश गर्ल, तो यहाँ पर बोला जाए एक बर्बाद लड़की है, स्पॉइल में से होता बर्बाद करना, ठीक है, तो ये वो एक बर्बाद लड़की है, तो बर्बाद होने का काम उसका समाप्त हो गया, यानी फिनिश्ड एक्शन, तो वो पास्ट पार्टिसिपल, तो स्पॉइल का भीतरी होगा स्पॉइल्ड। ट्वेल्व है द डैश सन इज ब्यूटिफुल टू लुक एट, ठीक है ना, तो बोला जा रहा है उगता हुआ सूरज को देखना बहुत सुंदर होता है, उगते हुए सूरज को, तो उगने का काम जारी रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, राइजिंग हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, राइजिंग। 13 में डैश बाय हिज फ्रेंड्स ही फेल्ट वेरी सैड, ठीक है, ये ही सब्जेक्ट फेल्ट भी टू, फील का भी टू है। तो जब पास्ट टेंस में दो दो काम हो एक के बाद दूसरा, ठीक है, तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस, तो उसको हम हटा के करेंगे पास्ट पार्टिसिपल करेंगे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा, डैश बाय हिज फ्रेंड्स ही फेल्ट वेरी सैड, तो बोला जा रहा चीटेड, चीटेड बाय हिज फ्रेंड्स ही फेल्ट वेरी सैड, अपने दोस्तों से धोखा खाकर वह बहुत उदास महसूस किया, क्या फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चीटेड पास्ट पार्टिसिपल। 14 में डैश इन लव ही सी कमिटेड सुसाइड, ये भी बिल्कुल 13 की तरह ही है, तो हो जाएगा डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट से होता है निराश होना, तो पास्ट पार्टिसिपल, डिसअपॉइंटेड इन लव सी कमिटेड सुसाइड, प्यार में निराश होकर, ठीक ना, हताश होकर वह सुसाइड कर ले। द सन हैविंग डैश द फॉग डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मीन्स होता है छितराना। तो यहाँ पर हैविंग, हैविंग के बाद क्या होगा, भी थ्री, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस भी थ्री, तो राज का भी थ्री हो जाएगा राइजन, हिंदी हो जाएगा सूरज उगने पर फॉग छितरा गया।